हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो HTML को लेकर के है। HTML में हम सीखेंगे div टैग का यूज, काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो div टैग का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। तो ये सवाल हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा पूछा गया, सर div टैग का यूज करके कोई प्रोग्राम बना करके दिखाइए। तो ये देखते हैं div टैग का पूरा यूज, ठीक है। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे, हमारी नोटपैड पर ही होगी। आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है, या और भी कोई चीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं और यहां पर आ जाते हैं और HTML से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ हेड पोर्शन आएगा और फिर यहाँ पर टाइटल पोर्शन भी आएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम CSS को यूज करेंगे, तो यहाँ पर टाइटल पोर्शन मैं लिख नहीं रहा हूं, बस हेड तक ही रखता हूं। और यहां पर हम लगाएंगे क्या, टाइटल पोर्शन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर TITLE टाइटल लिख लिया हमने और टाइटल में दे देते हैं यूज ऑफ div टैग। क्या देते थे, div टैग, ये हो गया। तो यहाँ पे अब div टैग लगाकर आपको दिखाऊंगा क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है div टैग का, वो देखेंगे हम, ठीक है, और कैसे यूज करना है ये भी। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगा दिया, ये पहचान है कि हम क्या यूज करने जा रहे हैं, CSS इसमें यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे डॉट कंटेनर। अब हम कंटेनर की, अब जो कंटेनर का हिस्सा है वो इसमें बनाएंगे हम। तो इसमें विथ कितनी देंगे, यानी चौड़ाई कितनी देंगे, तो विथ यहाँ पर दे देता हूं मैं 80%। कितना दे देता हूं, 80%, यानी 80% हमने रख दिया है विथ, ठीक है, यानी चौड़ाई। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसे टर्मिनेट करेंगे। मार्जिन इसका दे देते हैं, किनारा कितना किनारे जगह छोड़ेगा ये, तो यहाँ पे कर देते हैं ऑटो, अपने आप ये कंसिडर कर लेगा। फिर यहाँ सेमीकोलन और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड डैश करके कलर कर दीजिएगा। ये डैश वाले स्टाइल तो CSS में ही चलते हैं। और यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल कोड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हैश लगाऊंगा, एफ लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, फिर लिखूंगा एफ, फिर जीरो, फिर एफ, फिर जीरो। तो ये एक हेक्साडेसिमल कोड है और यहाँ पर टर्मिनेशन देकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पैडिंग भी मैं दे देने वाला हूं, तो ये हो गया पैडिंग। और यहाँ पे पैडिंग कितनी दे देंगे हम, 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल। तो ये हो गया पैडिंग। और यहाँ पे टर्मिनेशन देकर के फिर बॉर्डर की रेडियस की बात करेंगे, तो ये हो गया बॉर्डर डैश रेडियस, RADIUS, तो हो गया बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पे कॉलन लगा करके इसको कर देते हैं 8 पिक्सल का, ठीक है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही आप रेडियस रखें, ठीक है। इतना कर लेने के बाद ये हमारा कंटेनर का काम पूरा हुआ, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, फिर एंटर करके नीचे आएंगे। अब हेडर की कोडिंग करेंगे, ठीक है, तो HEADER डॉट हेडर लिख दिया यहाँ पे और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, तो ये हो गया बैकग्राउंड डैश करके कलर। बैकग्राउंड पे कलर कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर एक अलग से हेक्साडेसिमल कोड में लिखने वाला हूं, यानी कि यहाँ पे लिखा मैंने हैश 4, फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल में C लिखता हूं, कैपिटल में A लिखता हूं, कैपिटल में F लिखता हूं और 50, यानी ये एक हेक्साडेसिमल कोड हमने दे दिया है। और फिर यहाँ टर्मिनेट करके कलर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे व्हाइट, WHITE व्हाइट हो गया। और व्हाइट करके इसे आएंगे, अब यहाँ पे फॉन्ट साइज भी मेंशन कर देते हैं, तो ये हमने कर दिया फॉन्ट डैश साइज SIZE, तो ये हो गया फॉन्ट साइज। और यहाँ कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगा करके क्या करेंगे, कॉलन लगा करके यहाँ दे देंगे 28 पिक्सल, तो ये हो गया 28 पिक्सल। और यहाँ टर्मिनेशन दे देंगे और टर्मिनेशन दे करके एंटर करेंगे और एंटर करके इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, इसका काम खत्म हुआ। अब इसको क्लोज कर देते हैं हम, यानी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, एंटर करके नीचे आएंगे, ठीक है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहां अब कंटेंट में क्या देना है हमें, तो डॉट कंटेंट लिख देते हैं, डॉट कंटेंट, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके एंटर करते हैं। यहाँ पे देंगे अब पैडिंग, शुरुआत मैंने पैडिंग से ही कर दी है इसमें, ठीक है। और यहां पर भी 15 ही पिक्सल दे देते हैं, टर्मिनेट करके एंटर करते हैं। और यहां पर बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, तो ये हो गया बैकग्राउंड डैश करके कलर। कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, COLOR ही होती है। और यहाँ पर एक और कोड हैश करके लिखा हमने FFF, अब इसका क्या मतलब होता है अभी आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे मार्जिन करेंगे MARGIN, मार्जिन हो गया, और मार्जिन डैश करके कर देंगे टॉप, ठीक है। और टॉप करके क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगा के कर देते हैं 10 पिक्सल। यहाँ पे मार्जिन हमने 10 पिक्सल दे दिया, एंटर कर दिया टर्मिनेशन दे करके, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे इसको बंद करने की, तो इसको बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डॉट फुटर, यानी अब फुटर की कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये फुटर ही हमारा लास्ट है, इसके बाद हम कोई भी अतिरिक्त इसके बाद कोडिंग नहीं करने वाले हैं, ये फुटर हमारा लास्ट है, ठीक है। यहां पर ही हमारा CSS वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहां पर कर देते हैं बैकग्राउंड डैश करके कलर, फुटर में क्या बैकग्राउंड कलर रहेगा वो यहां पर आएगा। यहां पर भी एक हेक्साडेसिमल कोड में लिखता हूं हैश
333। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए अभी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कलर कर देते हैं व्हाइट, तो ये हो गया कलर व्हाइट। ठीक है, हालांकि आप यहाँ भी हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हैं अगर आपको पता है क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो फिलहाल मैंने व्हाइट ही दे दिया। और पैडिंग यहाँ पे क्या दे देंगे, 10 पिक्सल, तो ये लिख दिया 10 पिक्सल। और 10 पिक्सल लिख के टर्मिनेशन देकर के आगे बढ़ेंगे, तो बंद करेंगे, बंद करके फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे आप स्टाइल को क्लोज करेंगे, STYLE स्टाइल। और स्टाइल को क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे हेड को क्लोज करना है, ये जरा ध्यान दीजिएगा आप, हेड HEAD, ये हो गया हेड। फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे। अब हमारा CSS का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करके आएंगे और अब यहाँ पर देखिएगा जरा div का यूज यहाँ पर है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं div, एक क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास। ठीक है, और इज इक्वल टू लिख देते हैं, ऊपर क्या दिया था, सबसे ऊपर जरा देखिएगा, सबसे ऊपर क्या दिया था, सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए ये आपका था कंटेनर, तो कंटेनर की स्पेलिंग देखिए यहाँ गलत हो गई है, आई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कंटेनर हमको यहाँ पे लगाना है, तो कंटेनर ही लिखना है यहाँ पे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए div class और डॉटेड कॉमा में क्या दे देंगे, कंटेनर, यही था ना, ऊपर यही दिया है तो यही दे देंगे हम यहाँ पर। इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे div class देंगे, मतलब एक बार कंटेनर दे दिया, ऊपर कंटेनर ही था, आप देख ही सकते हैं स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको सही कर दिया मैंने। दूसरे में क्या देंगे, हेडर देंगे, दूसरे में हेडर ही तो है, तो जरा देखिए यहाँ पे हेडर है कि नहीं है ये तो देखना पड़ेगा, तो ये देखिए दूसरे बार में हेडर है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देना है, हेडर ही देना है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आप हेडर दे दीजिए, HEADER हेडर हो गया। और हेडर देने के बाद क्या करना है, यहां पर एंटर करके आना है और यहाँ पे देना है वेलकम, कुछ लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं वेलकम टू माई चैनल, ये लिख दिया हमने वेलकम टू माई चैनल, चल ठीक है, वेलकम होगा ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ गए और अब div टैग को क्लोज कर दीजिए, काम खत्म div टैग का, तो यहाँ पे आप div को क्लोज करेंगे। अच्छा, दो बार ओपन हुआ है, एक ही बार क्लोज हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये div जो है यहाँ पर इस तरीके से ये दो बार ओपन हुआ है, एक ही बार क्लोज हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे ना, तो फिर अब क्या करेंगे, कंटेंट के लिए कोडिंग करेंगे, कंटेंट के लिए किसके करेंगे, कंटेंट के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे div क्लास, div div, और फिर लिखेंगे क्लास CLASS div क्लास, ये div क्लास दे दिया, और div क्लास दे करके इज इक्वल टू करेंगे क्या यहाँ पर, कंटेंट, CONTENT कंटेंट हो गया, इसको बंद करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब पैराग्राफ लगा लेते हैं, तो पैराग्राफ में क्या दे देते हैं, दिस इज THIS करेंगे, दिस इज मेन कंटेंट, मेन CONTENT कंटेंट एरिया कर देते हैं, AREA एरिया। ठीक है, आगे चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज आपको बताता हूं क्या लिखना है आपको, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया मान लीजिए आपने। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया यू कैन यूज, आगे देखिए क्या लिख रहा है, यू कैन यूज द कोड। ठीक है, CODE ये कोड लिख दिया, अब ये कोड क्या है, यहाँ पे ये टैग में लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, एड्रेस ऑफ, इसको प्रोग्रामिंग में एड्रेस ऑफ बोलते हैं, लेकिन ये एंड है, एंड IT कर देते हैं, और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देते हैं, और फिर यहाँ लिख देते हैं क्या, कोड को क्लोज कर देते हैं, CODE कोड को क्लोज कर दिया, कोड ओपन किया था फिर क्लोज भी कर दिया। ठीक है, ये करके और यहाँ पे आगे लिख देते हैं टैग टू ग्रुप GROUP ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये कर दिया हमने, ओके। और अब ये करने के बाद पैराग्राफ को क्लोज करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, HTML क्रिएटेड बाई TIM बर्नर्स ली LEE, ये हो गया। ये करने के बाद यहां पे फिर कोड लगाएंगे, CODE कोड हो गया, और यहां पे एड्रेस ऑफ क्या देंगे, वही मतलब एंड IT कर देंगे, और यहां टर्मिनेशन देकर के फिर यहां div लगा देंगे, div DIV लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये लिख करके एड्रेस ऑफ GT कर देंगे, यानी एंड GT कर देंगे। अब ये एंड GT एंड IT ये क्या है, अभी आपको समझ में आएगा। यहां पर इसको टर्मिनेट करते हैं, और टर्मिनेट करके यहां पे कोड को क्लोज कर देते हैं, तो ये कोड क्लोज हो जाएगा। और कोड के क्लोज होने के बाद यहां पे कुछ और भी टाइप कर देते हैं, www वर्ल्ड WRLD वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं इसको, तो ये भी मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, और ये लिखने के बाद अब हमें धीरे धीरे चीजों को क्लोज करना है। ठीक है, तो अभी यहां पे div जो ऊपर आया था उसको क्लोज कर दीजिए, DIV, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। और यहां पे अब div
फुटर की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे div class footer, div class is equal to footer कर देंगे, f double o t e r, तो ये हो गया div class is equal to footer। और footer लिखने के बाद यहाँ पे अब देखिए क्या यूज कर रहा हूं, एंड कॉपी यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब ये एंड कॉपी क्या है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2020, क्योंकि 2024 ही चल रहा है, माई वेबसाइट, वेबसाइट ये ऐसे लिख दिया हमने, और ये लिख करके छोड़ दिया ऐसे, ऑल राइट्स आर आई जी एस टी एस रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसी कुछ चीजें दे देते हैं, तो वो मैंने भी दे दिया है। और बाकी एंटर करके यहाँ पे डिव को क्लोज कर देंगे, डिव ओपन हुआ था ऊपर, तो उसको क्लोज करना जरूरी ही है। और ऊपर एक और जो डिव ओपन हुआ था उसको अब यहाँ पर क्लोज करिएगा, ठीक है। और ये क्लोज करके फिर यहाँ पे बॉडी को क्लोज करिएगा, और बॉडी को क्लोज करके एचटीएमएल को क्लोज करिएगा, और एचटीएमएल को क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस करना है सेव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा, ये विंडो ओपन होगी, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं डेस्कटॉप कहाँ है, यही तो हमारा डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे ही हम जा रहे हैं। तो यहां पर div.html के नाम से सेव करता हूं, div दो बार भी कर दिया है, .html ये हो गया, html के फाइल की एक्सटेंशन होती है .html। और यहां पर आएंगे तो देखिए यहां पर div नाम से ये सेव हो गया है, ओपन करने पे क्या होगा, तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ इस तरीके से वेब पेज आपका बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए एक देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वेब पेज ये बना हुआ है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि ये कैसे बनेगा, सीएसएस की मदद से मैंने इसे बनाया है, और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।